नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं आलू मिर्च के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने 250 ग्राम के करीब बेसन लिया है, आधा किलो मिर्च है हरी, एक प्याज, अदरक और लहसुन का हमने कूट लिया है, हरा धनिया, उबले हुए आलू। अब मसाले देखते हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन, हींग, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर। सबसे पहले हम पकौड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। इसके लिए अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हल्का सा क्रश करेंगे, बेसन में डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब इसका हम घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे ताकि अच्छे से बेसन फिट जाए और गुठलियाँ भी ना रहें इसमें। देख सकते हैं आप लोग, चम्मच से गिरा रहे हैं तो गिर रहा है। इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा बैटर हो रहा है तब तक हम आलू को छील के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमने छील लिए हैं, अब इन्हें हम मैश कर लेते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं मैश करना है, बस हल्का सा दबा देना है। हम प्याज को काट लेते हैं। गैस ऑन कर दी है, गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल को गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा, चटकने देते हैं इसे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से भून लेते हैं। देखिए प्याज हमारे पास चुका है, और इसमें डालेंगे मैच किए हुए आलू, मिक्स करेंगे इस तरह से। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। इसी तरह से इसे 5 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाए। और इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम सारे मिर्चों में जीरा लगा के स्टफिंग भर लेते हैं। देखिए ये देखिए, इसमें ज़्यादा बीज नहीं है, इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं इसी तरह से। दबाते हुए स्टफिंग भरेंगे ताकि अच्छे से इसमें स्टफिंग आ जाए। स्टफिंग निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग भर के तैयार कर लिए है। इसी तरह से सारी मिर्ची में स्टफिंग भर लेते हैं।
अगर आप जो मिर्ची लाए हो उस पर बीज हो तो निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से हमने सारी मिर्ची भर के तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है, गैस पर हमने वही कढ़ाई रखी है, इसे हमने साफ़ कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे तेल तलने के लिए। तेल को गर्म हो जाने देते हैं। आप चाहें तो इसमें सोडा डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डालें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम भरवा मिर्च लेंगे इस तरह से, इसे बेसन में इस तरह से डुबाएंगे। इसे इस तरह से तेल में डाल देंगे। पलट देंगे इस तरह से। देखिए पकौड़े हमारे बच्चे तैयार हैं, ये पक चुके हैं, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आपको एक काट के दिखाते हैं हम। ये देखिए कितनी अच्छी से बनी है ये।